एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जिस राज्य के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई। बीजेपी की विधानसभा और जो सदस्य है, फिलहाल विधान पार्षद सलील बिश्नोई की पिटाई के मामले में यूपी विधानसभा दरअसल कोर्ट में तब्दील हो गई। सलील बिश्नोई ने सितंबर 2004 को तत्कालीन जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वो जा रहे थे। आरोप यह है कि सलील बिश्नोई के साथ तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद समेत 6 पुलिस कर्मियों ने गलत व्यवहार किया था। इसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के, उनके प्रस्ताव पर सदन ने सभी पुलिस कर्मियों को एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यानी कि यूपी की विधानसभा की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो आप ये समझ लीजिए, आपको एक सेकंड को ये तस्वीर देख करके लगेगा अरे ये तो वो कोई फिल्मी कोर्ट सीन है, मिलॉर्ड जैसे करके पहले नहीं बोलते थे लोग, ये बिल्कुल उसी तरीके से पुलिस को समन कर लिया यूपी विधानसभा के अंदर। आइए सुनने की कोशिश करते हैं इस कार्रवाई में क्या हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, एक माननीय तत्कालीन कोरबा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर,